जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया, कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आसमानी फैसला है और मैं ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, सरकार ने तो हर तरह से इस बात की कोशिश की कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करें, लैंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, और उसी दिशा में सरकार ने अपनी कार्रवाई की। और कोई भी सरकार हो, उसका ये फर्ज बनता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। योगी सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में जो उन्होंने नारा दिया था कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो वो उसी पर कायम है।